2 साल से ज्यादा वक्त हो गए हैं और दुनिया भर में कोरोना संक्रमण ने लोगों को परेशान कर रखा है। इसी बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी चिंता बढ़ाई है। नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए भारत के कई राज्यों में मास्क को अनिवार्य किया गया है। लोगों से गाइडलाइंस को फॉलो करने की अपील भी की गई है। इसी बीच WHO ने कोरोना के अगले वेरिएंट को चिंता बढ़ाने वाला करार दिया है। WHO के मुताबिक मौजूदा समय में दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के काफी मामले सामने आ रहे हैं। अभी कोरोना के आने वाले नए वेरिएंट के बारे में कुछ भी बताना संभव नहीं है, लेकिन जागरूकता और गाइडलाइंस को फॉलो करके कोरोना संकट को टाला जा सकता है। WHO ने भी वैक्सीनेशन को कोरोना से बचाव में जरूरी करार दिया है। दरअसल WHO ने यह भी कहा है कि कम मामलों के कारण दुनिया भर के लोग कोरोना संक्रमण के खतरों से निश्चिंत हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों में भी कमी आई है। WHO के मुताबिक कोरोना के कम मामले कम टेस्टिंग के कारण है। दुनिया भर में कोरोना के टेस्ट में कमी भी आई है। अगर भारत में कोरोना संकट की बात करें तो गुरुवार की सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,303 नए मामले सामने आए, जबकि 2,563 मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में 39 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई। भारत में अभी सक्रिय मामलों की संख्या 16,980 है। हालांकि लगातार बढ़ रहे मामलों ने चिंता भी बढ़ाई है। इसी बीच WHO ने कोरोना के नए वेरियंट को भी चिंता बढ़ाने वाला करार दिया है। लिहाजा कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइंस को फॉलो करिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।